स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सबसे पहले बात बड़ी खबर की। रायपुर में कार के शोरूम में भीषण आग लगी है। तेलीबांधा में कार के शोरूम में आग लगना बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर आग का तांडव देखा जा रहा है और लगातार आग बढ़ती जा रही है। फिलहाल मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है पर अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। धुएं का गुबार देखिए, इससे समझा जा सकता है कि कितनी भीषण यह आग है और लगातार यह भी कहा जा रहा है कि आग फैल रही है। और साथ ही साथ दमकल की टीम वहां पर मौजूद है, प्रयास लगातार जारी है पर यह आग लगातार फैलती जा रही है। तीन तस्वीरें आपके सामने, प्रयास जो है लगातार जारी है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं धुएं के गुबार की, तीसरी तस्वीर जिसमें दिखाई दे रहा है कि कितना ज्यादा धुआं उठता दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर में देखिए यहां पर सब कुछ सामान बाहर निकाला जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द काबू भी पा लिया जाए आग पर और जो सामान अंदर रखा है वो ज्यादा आग के चपेट में ना आए और ज्यादा ये आग जो है विकराल रूप ना ले, इसके भी प्रयास लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़ पर। रायपुर की ये तस्वीरें हैं, आग का तांडव यहां पर देखा जा रहा है। भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, विकराल रूप ये आग लेती जा रही है। फिलहाल कोशिशें लगातार जारी हैं, सहयोगी से जानकारी भी लेंगे कि आखिर स्थिति कैसी बनी हुई है। पर ये तस्वीरें पहले आप देखिए कि कितनी भीषण ये आग है। ये धुएं के गुबार को देख करके समझा जा सकता है। सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ, आकाश शुक्ला, उनसे जानकारी लेंगे। आकाश, कैसी स्थिति अभी बनी हुई है? आग का गोला ये पूरी जगह बन चुकी है, हम देख रहे हैं तस्वीरें, आग का तांडव यहां पर हम देख रहे हैं। अभी क्या स्थिति है, कितना समय और लग सकता है आग को काबू करने में? फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे सहयोगी से। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, रायपुर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कार के शोरूम में ये भीषण आग, अंदर कई सारी कारें भी और ये आग विकराल रूप ले रही है। फिलहाल कोशिशें लगातार जारी हैं, स्थिति क्या है ये जानते हैं सहयोगी आकाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या और कैसी स्थिति अभी बनी हुई है कार शोरूम की? कितना समय और लग सकता है आग पर काबू? कब तक पाया जा सकता है? टीमें क्या कह रही हैं? देखिए, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और दमकल की गाड़ियां पहले एक पहुंची थी, एक गाड़ियां और मंगा ली गई और दोनों तरफ से जो है पानी की बौछारें की जा रही है। ये एक पहले दमकल की गाड़ियां हैं जो सीधे आप देख सकते हैं दीवारों में किस तरीके से पानी की बौछार की जा रही है। और ये दीवार को अगर हम जूम करने के लिए कहेंगे कि तो जो आग की वजह से है ना, वो दीवार में दरारें आ चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि कभी भी दीवारें गिर सकती है, ऐसे में प्रशासन ने कहा है कि दूर रहे जो लोग यहां पर देखने के लिए आए हैं, भीड़ मौजूद है उनसे। दूसरी तरफ ये देखिए दमकल की दूसरी गाड़ी है जो सीधे बिल्डिंग में पानी की बौछार कर रही है। ये 3 मंजिला जो है वो बिल्डिंग है, इमारत है। पहले बिल्डिंग में जो ऑफिस का संचालन हो रहा था उसके बाद दूसरे और तीसरे फ्लोर पे जो है वो भी ऑफिस और कुछ इक्विपमेंट रखे हुए थे यहाँ पर, कार के इक्विपमेंट थे, वहीं ऑयल के जो बड़े बक्से थे वो रखे हुए थे। जैसे ही आग लगी, यहाँ के जो काम करने वाले कर्मचारी है वो जल्दी जल्दी उस ऑयल को निकाले, कई ड्रम ऑयल है वो निकाला गया, क्योंकि अगर वो ऑयल रहता तो ये आग और भी तेजी से फैलती और भी भयानक हो सकती थी, लेकिन उनको निकाल लिया गया है। इसके साथ ही कुछ और सामान थे वो लगातार निकालने का प्रयास किया गया। हालांकि जो टॉप फ्लोर पर था वहाँ पे ऑफिस में जो है कई सामान है वो जलने की बात भी कही जा रही है और जल भी चुकी है। हालांकि जो जिस तरीके से आग के गुब्बार निकल रहे थे अंदर से, वो अभी नहीं निकल रहे, धुएं में तब्दील हो गए, लेकिन अंदर में अभी भी आग लगी हुई है। पानी की जिस तरीके से बौछार दमकल की गाड़ियों में पड़ते जा रही है, आग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उस पर काबू पाया जा रहा है। मैनेजमेंट का, पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि आग पर काबू पा लिया जाएगा। इसको लेकर प्रयास भी जारी है, क्योंकि बड़ा एरिया है, पूरे कार यहां पर आते हैं, सर्विसिंग के लिए आते हैं, राजधानी के बीच में ये पड़ता है, क्राउड भी काफी ज्यादा रहता है, लोग भी काफी ज्यादा रहता है, ऐसे में नुकसान जो है वो नुकसान जो ज्यादा ना हो इसकी कोशिश जो है वो लगातार की जा रही थी और वो कोशिश प्रशासन करते
नजर आई। आप सीधे तौर पर वो देखिए किस तरीके से आग पर काबू पाया जा रहा है और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और हम ये भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। शुरू में यहाँ पर बिल्डिंग के करीब जो लोग आ जा रहे थे उन्हें दूर रहने के लिए कहा गया है और जो सड़क तक के जाने वाली जो शोरूम का जो सड़क का दरवाजा है उसको भी बंद कर दिया गया है ताकि भीड़ यहाँ पर बड़े पैमाने पर आकाश यहाँ पर नुकसान की आशंका तो है ही, क्योंकि जैसी आग हम देख रहे हैं, आग का तांडव देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारी चीजों का नुकसान भी हुआ होगा। यहाँ पर और भी कई सारे लोग होंगे, यहाँ जो वो जो कंपनी के जो संभालते होंगे मैनेजर कोई ना कोई मौजूद होगा, उनका भी क्या कुछ कहना था, क्या कारण, क्या वजह रही और साथ ही साथ क्या कितनी संख्या में वहां पर गाड़ियां भी अंदर मौजूद थी। जी मैनेजमेंट किसी तरीके से बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर निगम के आयुक्त आए हुए हैं अविनाश मिश्रा, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। आग लगी है सर, व्यवस्था बनाने में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है, कब तक के आग पर काबू पा लिया जाएगा? फायर वैसे भी कंट्रोल में है, पूरा जिला प्रशासन की टीम, SDRF की टीम और निगम की टीम लगी हुई है, वैसे कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे। कुछ मुझे लगता है कि ऑफिस अपर फ्लोर में ऑफिस वगैरह का कुछ सामान था, वहाँ पे आग लगी हुई है, थोड़ा समय में कंट्रोल हो जाएगा। क्या कारण बताया जा रहा है सर, जानकारी होने के बाद पता चलेगा, फायर ऑडिट होने के बाद प्रॉपर जाना पता चलेगा क्या रीजन है इसके। फायर ऑडिट की कहीं ना कहीं खामी आ रही है और यहाँ पर कुछ ऑयल के बक्से रखे हुए थे उनको भी निकाला गया, कई ज्वलनशील पदार्थ अंदर में भी है बताया जा रहा है, इक्विपमेंट भी है, जांच के बाद ही प्रॉपर पता चलेगा कि फायर ऑडिट का क्या स्टेटस है उसके बारे में। ये थे जो निगम के आयुक्त हैं अविनाश मिश्रा, जिन्होंने बताया कि फायर ऑडिट में भी कहीं ना कहीं लापरवाही है, व्यवस्था जो सरकारी सिस्टम के अनुसार है वो नहीं बनाया गया था, वो खामी सीधे तौर पे आ रही है और आग क्यों लगा इस पर भी जांच होगी। पूरा इनको कह दिया है मैनेजमेंट को कि उनसे पूछताछ इसके पास आएगी, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि आग पर काबू कैसे पाएं और वो जो है आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा। जी बड़ा नुकसान तो है ही है, बड़ी घटना है ही है, साथ ही साथ एक राहत ये भी है कि ये जो आग है वो टॉप फ्लोर पर है, नीचे तक ये आग अभी नहीं पहुंची है, चूंकि अंदर बहुत सारी गाड़ियां भी होंगी जो सर्विसिंग के लिए आई होंगी वो शायद अभी तक चपेट में नहीं आई है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, धुएं का गुबार जो लगातार उठ रहा था, आग की लपटें उठ रही थी वो अब नाक के बराबर दिख रही हैं। तो आकाश हम ये माने ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिस तरीके से दमकल की गाड़ियां हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। जो सामने आग के गुब्बार उठ रहे थे वो शांत हो चुके हैं, अंदर कुछ सामान है वो जल रहे हैं ये बताया जा रहा है, प्रशासन की टीम पीछे के रास्ते से भी जा रही है ताकि वो अंदर के जो सामान है वो ज़्यादा जले ना, उसको पर काबू पा लिया जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से हमने अधिकारी से बात की, नगर निगम के आयुक्त तो हमसे बात कर रहे थे और उनका ये कहना था इतने बड़े शोरूम में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था, इसका ऑडिट नहीं करवाया गया था, ये हाँ। सबसे बड़ी लापरवाही है क्योंकि रायपुर में और भी जो बिरगांव में आग लगे थे और भी जो कुछ जगहों में आग लगे थे, लगातार फायर फाइटिंग सिस्टम में खामियां या ना होने की शिकायतें मिल रही थी और जांच में वो साबित भी हुआ था हाँ। वही चीजें यहाँ भी देखने को मिली, अगर वो फायर फाइटिंग सिस्टम सही तरीके से होता तो यहाँ पर इतना बड़ा आग नहीं लगता। तो ऐसे में ये बड़ी एक लापरवाही सामने आ रही है मैनेजमेंट के द्वारा, तो इसकी भी जांच होगी, प्रशासन ने कह दिया है। इतने बड़े शोरूम में इतने सारे लोग काम करते हैं, लाखों हजारों लोग हर महीने यहाँ पर आते हैं और व्यवस्था का सही ना होना ये मैनेजमेंट पर भी सवाल बहुत बड़ी बात है। आकाश, ये छोटी छोटी जगह का हम जिक्र करते हैं अमूमन कि वहां पर पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, अगर इंतजाम होते तो शायद इतनी आग नहीं फैलती या आग पर काबू जल्द से जल्द पा लिया जाता। पर इतनी बड़ी जगह, नामी ग्रामी कंपनी जो इतना बड़ा सर्विस सेंटर चला रखी है या शोरूम चला रखी है और पर्याप्त व्यवस्थाएं ना होना कई सारे सवाल भी खड़े करती है। जी बिल्कुल, सवाल खड़े करती है क्योंकि शहर के बीचों बीच ये शोरूम है, बड़े एरिया में है, रिहायशी इलाका है और यहाँ पर इस तरीके से गड़बड़ियाँ सीधे तौर पर सामने आना मैनेजमेंट को लेकर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि
प्रशासन भी तब जागता है जब किसी तरीके से घटना हो, दुर्घटना हो, अनहोनी हो, और ये हुआ तब चीजें सामने आ रही है। ऐसे में जो लगातार जो फायर फाइटिंग सिस्टम ऑडिट के दावे और बाकी चीजें जो मैं प्रशासन की तरफ से बोला जाता रहा है उस पर भी एक सवाल है। दूसरा, ये लोगों की जान को भी एक तरीके से खतरा है क्योंकि कई लोग यहाँ पर आते हैं गाड़ियों के सर्विसिंग के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, और वो अगर उनकी जान को खतरा होता है तो ये भी एक सवाल है। ये सब चीजें जब हादसे होते हैं उसके बाद जो तभी प्रशासन जागता है जब हादसे होते हैं और बड़ी घटनाएं हो जाती है, जान चली जाती है, तभी शायद नींद खुलती है प्रशासन की। पर बहुत जरूरी है इन सब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना कि ऐसे हादसे ना हो और ना ही किसी की जान जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर लगातार बना रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर का जिक्र करते हैं। महिला के साथ गैंगरेप हुआ है, 4 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं। जंगल में वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें वारदात के बाद से आरोपी फरार हो चुके हैं, पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आरोपियों की तलाश में जुटी है। यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद आपको बता दें कि अब जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो महिला के साथ गैंगरेप, 4 लोगों ने गैंगरेप किया है, इस वारदात को अंजाम दिया है, और वारदात को अंजाम देने के बाद ये सभी आरोपी, ये बदमाश फरार हो गए हैं। इनकी तलाश अभी जारी है, साथ ही साथ बयान भी महिला के ले लिए गए हैं और अब उसी के आधार पर तलाश भी जारी है। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर से 70-309-4 और 115 BNS का जो है प्राथमिक पंजीबद्ध किया गया है। ये मामला जो है इसमें 4 आरोपी हैं और चारों आरोपी की पुलिस जो है सरगर्मी से इसमें पता तलाश कर रही है। भिलाई गोलीकांड के 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, बता दें नागपुर और दुर्ग से गिरफ्तारी हुई है। सागर बाग उर्फ डॉगी नागपुर से अरेस्ट हुआ है, मुकुल सोना दुर्ग से गिरफ्तार हुआ। मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू बरामद किए गए हैं। मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो गोलीकांड के ये 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे ही मामले में, गोलीकांड के मामले में 5 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है, साथ ही साथ कई सारे हथियार भी इनसे बरामद किए गए हैं। सुकमा का जिक्र करेंगे, 7 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, विस्फोटक भी बरामद किया गया। जिला बल DRG बस्तर फाइटर ने इनकी गिरफ्तारी की है। बता दें इनके साथ ही इनकी गिरफ्तारी हुई और साथ ही साथ कई विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी और साथ ही साथ विस्फोटक भी बरामद। DRG जिला बल बस्तर फाइटर ने इन्हें गिरफ्तार किया है।